Click on the subscribe button and press the bell icon for more updates. Hi friends, online learning में आपका स्वागत है. Geography of Jammu and Kashmir का आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, National Parks Jammu and Kashmir. किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो. आपको यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भी आपको एग्जाम में. हमारे पास जो नेशनल पार्क्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, 5 नेशनल पार्क्स हैं, उनके बारे में इसमें स्टडी करेंगे. आइए देखते हैं. पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि नेशनल पार्क बोलते किसके हैं. नेशनल पार्क इज़ ए पार्क इन यूज़ फॉर कंजर्वेशन पर्पज़, यानी किसी ना किसी चीज़ को बचाने के लिए नेशनल पार्क जो है बनाया जाता है. IUC एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इट्स वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, उनने इसको डिफाइन किया नेशनल पार्क को एज कैटेगरी 2 टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज. ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया जो कि कैटेगरी 2 में रखे गए हैं IUCN के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे नेशनल पार्क जो है कहा जाता है. एक नज़र डालते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंसेस के. अगर डेफिनेशन देखें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें रेफर्स टू द जियोग्राफिकल एरिया विच इज रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कहने का मतलब है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए रखा जाता है, उसके लिए बनाया जाता है. जबकि जो नेशनल पार्क है वो कंजर्वेशन, वो भी कंजर्वेशन के लिए, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ यानी किसी ना किसी जंगली जानवर को बचाने के लिए उसको बनाया जाता है. अगर देखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ अलाउड. जैसे वहाँ से आप लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नेशनल पार्क है टोटली प्रोटेक्टेड एरिया है, नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड. कोई भी काम जो है नेशनल पार्क में ह्यूमन का वो अलाउड नहीं होता है. बाउंड्री यूजली नॉट एज वेल मार्क्ड एज इन द केस ऑफ ए नेशनल पार्क. इसमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो बाउंड्री है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वो प्रॉपरली मार्क्ड नहीं होती है, ठीक है. जबकि एक नेशनल पार्क में उसकी जो बाउंड्री है वो प्रॉपरली उसको डिमार्केशन किया जाता है और वो आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये एरिया नेशनल पार्क का है या नहीं है. एग्जाम्पल से देखें, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक नेशनल पार्क है, जबकि गुलमर्ग में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो ये कुछ डिफरेंसेस थे वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क के में. देखिए फ्रेंड्स, ये एक टेबल है, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप इस टेबल को अगर आप याद रखते हैं तो इससे भी आपका काम हो जाएगा और ये टेबल जो है आपको काफ़ी मार्क्स फेच करवा सकता है. देखा जाए तो 5 नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है. दाचीगाम नेशनल पार्क, जो कि इसका लोकेशन जो है श्रीनगर में है और इसका एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर्स. 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और इसको बनाया गया था हंगुल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कश्मीरी स्टैग भी जिसको बोला जाता है, ठीक है. उसके अलावा हैमिस नेशनल पार्क है जो कि लेह में है, लेह डिस्ट्रिक्ट में. 4400 एरिया है इसका, 4400 स्क्वायर किलोमीटर, और ये हमारे स्टेट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है. कौन सा है? हैमिस नेशनल पार्क. एस्टेब्लिश जिसको बनाया गया था 1981 में और इसको स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए इसको नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किया गया था 1981 में. देन किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है. एरिया इसका 400 स्क्वायर किलोमीटर्स है. एस्टेब्लिश्ड 1981 में. इसको बनाया गया था स्नो कॉक और ब्राउन बियर उनको बचाने के लिए. देन काजीनाग नेशनल पार्क जो कि बारामूला में है. एरिया इसका 426 स्क्वायर किलोमीटर्स. 1992 में इसको बनाया गया था और मरखोर वाइल्ड गोट को बचाने के लिए इसको बनाया गया था. देन एक छोटा सा नेशनल पार्क है 9.07 स्क्वायर किलोमीटर का, सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में. 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया था गया था और ये फेमस है मस्क डियर के लिए. तो फ्रेंड्स, ये आप टेबल जो है ये याद कर लीजिए, ये लोकेशंस आप याद कर लीजिए और ये क्वेश्चन जो है लोकेशन से ही आ सकता है मैक्सिमम, कि कौन सी लोकेशन में ये है. और सेकंड जो क्वेश्चन आ सकता है वो कि किस चीज़ के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्वेश्चन आने के काफ़ी कम चांसेस हैं और एरिया के भी चांसेस बहुत कम है,
लेकिन हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर का। आइए आगे देखते हैं, दाचीगाम नेशनल पार्क के बारे में रीड करते हैं। श्रीनगर से ये 22 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है। जो एरिया हमने जैसे आपको बताया कि 141 किलोमीटर स्केयर है, तो जो इसका नाम है उसका जो लिटरल दाचीगाम, दाची मीन्स 10, गाम मीन्स विलेजेस, तो दाची गाम का मतलब होता है 10 विलेजेस। ठीक है। इट वॉज इनिशियली क्रिएटेड टू एंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द सिटी ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर सिटी में प्रॉपर जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। ठीक है, इनिशियली पर्पज़ उसका यही था। इसको नेशनल पार्क 1981 में बनाया गया, और दाचीगाम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन द जबरवान रेंज ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज के जो जबरवान रेंजेस हैं हिमालयाज के अंदर, एक छोटे से जैसे पीर पंजाल रेंजेस हैं, उसी प्रकार जबरवान रेंजेस भी हैं वेस्टर्न हिमालयाज में, तो उसमें दाचीगाम नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। और इस दाचीगाम नेशनल पार्क के अंदर जो मर्सर लेक है वो भी लोकेटेड है, जिससे कि डॉगवन रिवर जो है वो निकलता है। आइए इसकी एक गूगल अर्थ की इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये दाचीगाम नेशनल पार्क, और ये देखिए श्रीनगर, ये सिटी है, ये मेन श्रीनगर सिटी है, और ये दाचीगाम नेशनल पार्क है। तकरीबन ये एरिया जो है वो पूरा नेशनल पार्क का एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे मूव करते हैं। सेकंड है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये ईस्टर्न लद्दाख रीजन में है, और इस वे फेमस है स्नो लेपर्ड्स के लिए। इट इज़ बिलीव टू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ देम इन एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। ये माना जाता है कि स्नो लेपर्ड्स जो हैं हाई डेंसिटी में इस एरिया में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि इट इज़ द ऑनली नेशनल पार्क इन इंडिया दैट इज़ नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। हिमालयस की एक ऐसी नेशनल पार्क है जो कि हिमालयाज के बाद है, यानी कहने का मतलब है कि हिमालयस को ट्रांस हिमालयाज में है, ये हिमालयस को क्रॉस करने के बाद ट्रांस हिमालयाज के अंदर ये लोकेटेड है। ओनली नेशनल पार्क है इंडिया की जो कि ट्रांस हिमालयाज में है। द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया, कहने का मतलब है सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया का भी हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। ठीक है, पार्क इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। तो इसके जो पार्क है, जो नेशनल पार्क है, इसके जो नॉर्थ साइड में इंडस रिवर जो है वो फ्लो करता है लद्दाख में। आइए इसकी इमेज देखते हैं। ये देखिए हेमिस नेशनल पार्क, देखिए कहाँ पे लोकेटेड है। ये जम्मू एंड कश्मीर का टोटल मैप है, ये लोकेशन है इसकी। और ये देखिए, ये जो है ये कश्मीर वैली है। आप कर्सर को फॉलो कीजिए, ये देखिए ये कश्मीर वैली है, और ये इस लोकेशन है हेमिस नेशनल पार्क की। टोटली जम्मू एंड कश्मीर के जो एक्चुअल जो इंडिया का जो पोर्शन है उसके अंदर ये लोकेटेड है, इसमें चाइना के अंदर ये फैलाव नहीं है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे मूव करते हैं। काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है, इसको बोला जा रहा है कि बारामूला में फ्यूचर में कमीशन किया जाएगा, लेकिन 1992 में इसको कमीशन किया गया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रपोजल फॉर ए ट्रांस कारोकोरम पीस पार्क विद पाकिस्तान, बेस्ड ऑन माउंटिंग प्रेशर टू कंजर्व द रेयर मरखोर वाइल्ड गोट। मरखोर वाइल्ड गोट को बचाने के लिए काजीनाग नेशनल पार्क जो है जो बनाया गया, और ये है उड़ी के बिल्कुल नज़दीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में ही है। तो ये जो पार्क है काजीनाग नेशनल पार्क, ये लिम्बर और लाचीपुरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनको मिला के, और नागनरी कंजर्वेशन रिजर्व जो हमारे पास हैं उनको मिला के काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। ये देखिए काजीनाग नेशनल पार्क की लोकेशन, ये पूरा एरिया जो है काजीनाग नेशनल पार्क का है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे मूव करते हैं। देन किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इट इज़ ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय रिन्ने रिवर। इसके नॉर्थ में जो है रिन्ने रिवर है, और साउथ में इसके किबार नाला कैचमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसका एक इमेज देखेंगे। ये देखिए टोटल स्नो से घिरा हुआ है, स्नो है चारों तरफ। ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क टोटल स्नो के अंदर है ये। इस टोटल एरिया को डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क, कोई ह्यूमन यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं है किसी भी तरह की, नहीं है, इंसान चाहे भी तो यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि
यहाँ पर टेरेन ऐसा है कि वुमेन्स के लिए यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। देन लास्ट में बात करेंगे सलीम अली नेशनल पार्क की। दूसरा नाम इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोला जाता है। श्रीनगर सिटी में लोकेटेड है। बहुत ही छोटा एरिया है, 9.07 किलोमीटर स्क्वेयर। 1986 में ये तो बनाया गया है। तो ये सलीम अली जो कि इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब है कि जो चिड़िया के बारे में स्टडी करते हैं, पक्षी के बारे में जो स्टडी करते हैं, तो महान ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे हैं सलीम अली। उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम से पार्क को जो है बनाया गया। 1998 और 2001 में फारूक अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर रहे इस दौरान, उन्होंने इसको चेंज कर दिया रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में। तो आजकल यहाँ पर गोल्फ कोर्स जो है खूब खेला जा रहा है। तो सलीम अली नेशनल पार्क में जो है हंगुल और मस्क डियर जो है उसके लिए इसको कंजर्व किया गया था। आइए इसके एक इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये डल लेक है यहाँ पे, और ये देखिए ये रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स या फिर सलीम अली नेशनल पार्क जिसको पहले कहा जाता था, वो ये एरिया है। ये जो आपको ये छोटे छोटे ये देखिए ये एरिया दिख रहा है, ये गोल्फ कोर्स का है। गोल्फ कोर्स के लिए बनाया गया ये एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।